नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूं पलक गुप्ता। न्यूज हेडलाइंस में सबसे पहले देखते हैं देश की खास खबरें। भाजपा ने घोषित की 11 और उम्मीदवार, पीएम मोदी के सामने अतहर जमाल लारी को उतारा। सलमान के घर के बाहर फायरिंग के दो आरोपी गिरफ्तार, मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात से अरेस्ट किया दोनों बिहार के रहने वाले। शराब नीति केस में ईडी की 17वीं गिरफ्तारी, गोवा चुनाव में आपका फंड मैनेज करने वाले को पकड़ा, रिश्वत के 45 करोड़ रुपए इलेक्शन में इस्तेमाल किए थे। श्रीनगर की झेलम नदी में नाव पलटी, 4 की मौत, स्कूली बच्चों समेत 11 लोग सवार थे, 3 को बचाया, बाकी की तलाश जारी। ओडिशा में बस ओवरब्रिज से गिरी, 5 की मौत, कई घायल। तेजस्वी ने सीएम योगी के आरोपों का दिया जवाब, कहा यूपी के लोगों को तो हम दे रहे नौकरी। आइए अब नजर डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा भाजपा का संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभों, युवा, नारी, गरीब और किसान को सशक्त करने वाला। जयपुर में अमित शाह का रोड शो, गृह मंत्री बोले 500 साल बाद रामलला भव्य मंदिर में मनाएंगे जन्मदिन। पेंशनर्स को निशाना बना रहे साइबर ठग, कोष कार्यालय को जारी करनी पड़ी एडवाइजरी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 15 अगस्त तक कृषि ऋण माफ करने का वादा किया। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड जगत की खास खबरें। कपिल शर्मा ने माता वैष्णो देवी मंदिर में आशीर्वाद लिया। मिस्टर एंड मिसेज माही का पोस्टर जारी, महेंद्र सिंह धोनी पर आधारित है मूवी। आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की खास खबरों पर। आईपीएल 2024, कार्तिक के 83 रन बेकार गए, कमिंस के 3 विकेट की मदद से हैदराबाद ने बेंगलुरु को 25 रन से हराया। ब्रिटिश बॉक्सर विली लीमोंट का 45 वर्ष की आयु में निधन। आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की प्रमुख खबरें। देश का वस्तु व्यापार घाटा मार्च में 11 महीने के निचले स्तर $15.6 अरब पर। ओला इलेक्ट्रिक ने ई स्कूटर की S1X रेंज की कीमतों में कटौती की, कीमत 69,999 रुपए से शुरू होगी। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरों पर। पाकिस्तान के पंजाब में सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, 50 से अधिक घायल। पाकिस्तान राष्ट्रपति आसफ अली जरदारी की छोटी बेटी ने बतौर सांसद ली शपथ। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और साथ ही प्ले स्टोर से जाकर हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।